बेटा, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट नेचुरली तौर पर हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर भी होता है और विदाउट हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके फार्मूले लिखे हमें, एक्चुअल इसका फार्मूला MgSO4 होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम बिलोंग किससे कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है सेकेंड ए ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो डेफिनेटली इसकी वैलेंसी क्या होगी बेटा, +2 होगी, ठीक है, याद रखिएगा +2 होती है मैग्नीशियम की वैलेंसी। सल्फेट जो होता है, SO4 जो होता है, वो सल्फेट आइन डेफिनेटली, इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है -2 होती है। तो सल्फेट की वैलेंसी -2 और मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, तो डेफिनेटली आपस में इक्वल हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं वो, तो आपको क्रॉस करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो सिंपल फार्मूला इसका लिखा जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। अब फार्मूले से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आपको मैग्नीशियम मेटल चाहिए और आपको सल्फेट आयन चाहिए इसी कम्बिनेशन के लिए। मैग्नीशियम सल्फेट नेचुरली तौर पर जो हमें मिलता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और विदाउट वाटर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ आपको बता रहा हूँ कि अगर मैग्नीशियम सल्फेट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, तो हम उसको केमिकली तौर पर इस तरीके से पढ़ेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, यानी इसका जो ओरिजिनल नेम है मैग्नीशियम सल्फेट वो पढ़ा जाएगा इसके आयंस के लिहाज से, और वाटर की क्वांटिटी के लिहाज से आपने बस लिखना है मोनोहाइड्रेट। मोनो का मतलब होता है वन, कॉमनली तौर पर इसको बोलते हैं कैस्ट्राइट के नाम से इसको जाना है। तो ये अपने जो मेन चीज आपको जो यहाँ बताई जा रही है वो ये कि आपने कॉमन नेम याद कर, क्योंकि क्वेश्चंस में बकायदा कॉमन नेम या MCQs में कॉमन नेम पूछते हैं बकायदा, कि कॉमन नेम आपको बताना, आपसे पूछा जाता है और आपने उसका फार्मूला लिखना होता है। तो जैसे कि प्रीवियस भी आपने कितने सारे कॉमन नेम जो है वो आपको अंदाजा नहीं है कि आपने बहुत सारे कॉमन नेम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जैसे मैं अभी सामने आपके सामने कुछ अभी नाम ले लेता हूँ, जैसे आपने पढ़ा कॉस्टिक सोडा, NaOH, फिर आपने लाइम वाटर के बारे में पढ़ा, फिर लाइम स्टोन के बारे में पढ़ा, क्विक लाइम के बारे में पढ़ा, सोडा एश, ठीक है, वो आपने डिस्कस किया, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है, ये सारे कॉमन नेम्स हैं। इनमें से कोई भी कॉमन नेम जो है वो आपके पास आ सकता है कि इसका केमिकल फार्मूला लिखिए। तो इसलिए आपने कॉमन नेम के साथ साथ उसका केमिकल फार्मूला भी याद रखना। नेक्स्ट जो उसकी फॉर्म होती है मैग्नीशियम सल्फेट की, जिसमें वो वाटर मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट होते हैं, सेवन वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, सेवन को बेटा हम लोग हेप्टा बोलते हैं, ठीक, इसको पढ़ेंगे मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। इसका कॉमन नेम है इप्सम सॉल्ट, ये ज्यादातर आता है इप्सम सॉल्ट, या सिर्फ इसको इप्सम भी बोल सकते हैं, ठीक है, इप्सम सॉल्ट या फिर इप्सम जो है वो आपके पास आता है। तो ज्यादातर जो चांस होता है वो इसी के होता है कि इप्सम सॉल्ट के बारे में ही पूछा जाता है कि इप्सम सॉल्ट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो बताइए। प्रिपरेशन इसकी बड़ी सिंपल सी है, प्रिपरेशन के लिए बस आपने एक इसका आपको ना फार्मूला आना चाहिए, अब जो आपको याद करना है मैग्नीशियम सल्फेट, बस ये आ गया। तो अब प्रिपरेशन इसकी कोई इतनी टफ नहीं है, कोई इतनी कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो सिंपल बनाना है मैग्नीशियम सल्फेट बनाना है, ठीक है। अब मैग्नीशियम सल्फेट के लिए आपको मैग्नीशियम आयन चाहिए और सल्फेट आयन चाहिए, तो बड़ी कॉमन सी बात है कि सल्फेट आयन आपको मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है, एसिड का इस्तेमाल करेंगे आप सल्फ्यूरिक एसिड का। तो H2SO4 जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा बेटा क्या, सल्फेट आयन प्रोवाइड करेगा, बस आपने ये याद रखना। मैग्नीशियम के लिए आपको ऐसा कोई मेटल या कंपाउंड चाहिए जिसमें मैग्नीशियम जो है वो प्रेजेंट हो, अब वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, अब उसको देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास चीजें प्रेजेंट है जिसके जरिए हम इसको बना सकते हैं। तो सिंपल सिंपल से इसके वन वन स्टेप की इसकी सिंपल इक्वेशन है। तो पहला आपका जो मेथड है वो ये है कि मैग्नीशियम मेटल का डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे, मैग्नीशियम मेटल का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो मैग्नीशियम मेटल सल्फेट से मिल जाएगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा लाइक दिस वन, और ये जो हाइड्रोजन गैस होगी वो अलग हो जाएगी, सिंपल सा इसका रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कि आप कंपाउंड इस्तेमाल करें जिससे मैग्नीशियम इस्तेमाल हो, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका इस्तेमाल किया, अब इसमें मैग्नीशियम और सल्फेट इन्होंने तो आपस में मैच करना ही करना है, तो ये मैग्नीशियम पॉजिटिव आइन सल्फेट नेगेटिव आइन ये आपस में कंबाइन होंगे मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये आपस में कंबाइन होकर बेटा वाटर मॉलिक्यूल बना लो। भाई यहाँ वाटर क्यों नहीं बना था बेटा, इसलिए नहीं बना था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन थी, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, तो इसलिए सिर्फ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो यहाँ पर क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल, ये सिंपल रिएक्शन। और इसकी प्रिपरेशन होती है कुछ इस तरीके से, ये भी बड़ी सिंपल सिंपल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब इसमें OH आयंस आ गए H आयंस आ गए, लेकिन आप पहले अपना टारगेट कंप्लीट करें कि मैग्नीशियम और सल्फेट ये कंबाइन होंगे आपस में तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, बाकी H आयंस और OH आयंस ये सारे के सारे आपस में कंबाइन होने के बाद क्या बना लेंगे बेटा, वाटर को बना लेंगे, वाटर फॉर्म करेंगे, ठीक है।
इसमें बैलेंस वगैरह करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, बस आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि क्या क्या केमिकल्स इसमें बन रहे हैं। अगर आप बैलेंस ना भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखिए, अब एक केमिकल इस्तेमाल किया मैग्नीशियम कार्बोनेट, अब कार्बोनेट में कार्बन भी आ गया। पहले तो हाइड्रोक्साइड में OH आया था और H आए थे, ठीक है, तो वाटर मॉल, अब कार्बोनेट में कार्बन भी आ गया। अब क्या करेंगे, मैग्नीशियम और सल्फेट मिलेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और कार्बन की वजह से हमें क्या मिलेगा बेटा, CO2 गैस। वैसे भी एक छोटी सी लॉजिक याद रखिएगा कि जब कोई सॉल्ट होता है, कार्बोनेट सॉल्ट, बाइकार्बोनेट सॉल्ट जो होता है, जब वो आपके किसी एसिड से मैच करता है या मिलता है या रिएक्ट करता है, तो उसकी वजह से, कार्बोनेट की वजह से और बाइकार्बोनेट की वजह से CO2 गैस जो होती है वो बेटा लाजमी रिलीज होती है। अब नेक्स्ट आपके पास है एक केमिकल जिसका नाम है डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट बोलते हैं इसको, ये कॉमन नेम है इसका, ये आपने लाजमी याद करने, मस्ट है, लाजमी याद करना है आपने इसका, डोलोमाइट ये अक्सर आता है, ये मैग्नीसाइट इसको बोलते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट को, मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैग्नीसाइट बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है ना, बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैग्नीसाइट बोलते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट इसका जो मिक्सर होता है इसको इसको बोलते हैं डोलोमाइट। ये अक्सर जो एग्जाम्स में आता है कि डोलोमाइट का फॉर्मूला लिखिए, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट की मिक्सिंग से आप क्रशिंग करवाएंगे आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका, यहाँ से मैग्नीशियम और सल्फेट कॉमन बात है वो मैग्नीशियम सल्फेट को बनाएंगे, और यहाँ का जो कैल्शियम है और सल्फेट है वो आपस में मिलकर कैल्शियम सल्फेट बनाएंगे, ठीक है। तो ये इप्सम आपके पास रेडी हो जाता है, और ये आपके पास होता है जिप्सम, ये जिप्सम आपके पास रेडी हो जाता है। उसके बाद कार्बोनेट की वजह से, अभी आपको मैंने ऊपर बताया कि कार्बोनेट होगा और एसिड होगा तो लाजमी CO2 गैस रिलीज होगी, तो ये CO2 गैस रिलीज होगी, और इस हाइड्रोजन की वजह से क्या होगा बेटा, वाटर रिलीज होगा। अब इसमें 5 डिफरेंट मेथड्स हैं अलग अलग इसको प्रिपरेशन करने के। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह का आता है, इसमें क्वेश्चन एक तो ये यहाँ से आएगा कि इसका भाई आप हमें कॉमन नेम आपको दिया जाएगा और आपने इसका क्या होगा फॉर्मूला लिखना होगा। इन प्रिपरेशन में से कोई एक रिएक्शन कभी कभार पूछ लेते हैं, कोई चांस नहीं होता, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर साल लाजमी आता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा आपको कि कभी किसी ईयर के अंदर वो आपसे इसकी कोई प्रिपरेशन वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये सिंपल इसके रिएक्शन याद करने, ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए भी आ सकते हैं, और डायरेक्ट आपसे प्रिपरेशन भी कह सकते हैं कि भाई मैग्नीशियम सल्फेट को या इप्सम को जो है वो मैग्नीशियम मेटल से प्रिपेयर करें, या उसको डोलोमाइट से प्रिपेयर करें, या उसको मैग्नीसाइट से प्रिपेयर करें, मतलब ऐसे क्वेश्चन अलग से एक नंबर का सिर्फ आ सकता है। तो आपने इसमें से ये इक्वेशन सिर्फ आपने वहां पर मेंशन करनी होगी, या कंप्लीट करने के लिए भी आ सकता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, उसमें 4 या 5 इक्वेशन आमतौर पर गिवन होती है, उसमें रिएक्टेंस आपको लिखे गए हैं और अपने प्रोडक्ट जो होते हैं वो लिखने होते हैं, तो ये वहां पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कॉमन नेम प्लीज आप याद रखिएगा लाजमी तौर पर, और आपने देख लिया कि आपने जो याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है इसका, वो ये कि आपने याद रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड हर एक रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होगा, ठीक है, ताकि आपको वहां से सल्फेट आयन जो है वो मिल सके। साथ में आपने यहाँ जो मेटल इस्तेमाल करना है या यहाँ पर जो एलिमेंट या कंपाउंड इस्तेमाल करना है वो मैग्नीशियम का होना चाहिए, जिसमें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अगला जो कंपाउंड है हमारे पास वो भी तकरीबन ऐसा ही है, उसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, सिंपल कैल्शियम सल्फेट। अब इसमें कैल्शियम आयन इस्तेमाल होगा, अब इसके भी काफी सारे जो है वो मतलब कंपाउंड्स होते हैं जो कि नेचुरली तौर पर प्रेजेंट होते हैं, कुछ में वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते, कुछ में वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अब इसका नाम देख लीजिए कि जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होंगे आपके पास उसको डेफिनेटली आप एनहाइड्रस बोलेंगे, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, इसे कॉमनली बोलते हैं ड्राईराइड बोलते हैं इसको। इसके अलावा अगर उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बढ़ेंगे डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, इसका कॉमन नेम होता है बेटा जिप्सम होता है, जिप्सम, इप्सम और जिप्सम। अगर इप्सम होगा तो मैग्नीशियम सल्फेट होगा 7 वाटर मॉलिक्यूल, और अगर जिप्सम होगा तो कैल्शियम बन जाएगा, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल हाफ कर देंगे हम, आधा कर देंगे, मतलब कि 2 से हम इसको बिल्कुल हाफ कर देंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे हेमी हाइड्रेट, ठीक, इसको सेमी भी पढ़ सकते हैं और हेमी भी पढ़ सकते हैं, सेमी हाइड्रेट भी पढ़ सकते हैं और हेमी हाइड्रेट भी पढ़ सकते हैं। इसका कॉमन नेम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये नाम शायद आप लोगों ने सुना हो नॉर्मली, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ये इसका केमिकल नेम, कॉमन नेम है, सॉरी।
तो ये आपके पास है कैल्शियम सल्फेट की तीन अलग अलग कंपाउंड, जिसमें वाटरमॉल की क्वांटिटी के लिहाज से हम उसका नाम रखते हैं और उसका कॉमन नेम रखते हैं। इसमें से ज्यादातर जो आता है वो जिप्सम आता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बहुत 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 दफा रिपीट हुआ है, तो इसको जरा खास तौर पर देखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या है। बाकी इसको जो प्रिपेयर करने का तरीका है वो बिल्कुल एज इट इज वही मेथड है जो कि अभी आपने जिप्सम में किया था। अगर आप जिप्सम याद कर ले तो समझो आपने इप्सम भी याद कर लिया, और अगर इप्सम याद कर समझो आपने जिप्सम याद कर लिया। दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क किसका है, मेटल का फर्क है। कैल्शियम को हटा, मैग्नीशियम को हटा के आपने कैल्शियम लगाना है, कैल्शियम को हटा के आपने मैग्नीशियम लगाना है। ये सिंपल फर्क है, ये आप देख सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आपने इस्तेमाल करना है इसमें, ताकि सल्फेट आयन मिल सके आपको, और मैग्नीशियम वहां इस्तेमाल किया था, यहाँ पर आप कैल्शियम इस्तेमाल करना है। सिंपल, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना ले। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था आपके पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास है। इसमें क्या होगा कि कैल्शियम और सल्फेट आपस में मिलेंगे, कैल्शियम सल्फेट और OH आयन और वाटर बना लेंगे सिंपल। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं कॉमनली, ये आपको पता था पहले। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर बोलते हैं, बता दिया गया था पहले भी आपको। कैल्शियम और सल्फेट मिलेंगे तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, कार्बोनेट की वजह से यहाँ पर लाजमी CO2 गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कम्बिनेशन से क्या बनेगा बेटा, वाटर बन जाएगा। ये आपका सिंपल प्रिपरेशन है, बिल्कुल सेम वही प्रिपरेशन है जो कि अभी आपने मैग्नीशियम में की थी, दोनों में इतना कोई फर्क नहीं है, ठीक है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि ठीक है जी, बिल्कुल बेटा सही कह रहे हैं आप जी बेटा, क्वेश्चन ऐसे ही आता है बेटा। देखिए जैसे कि आपको मैंने बताया, मैं आपको प्रैक्टिस पेपर भी सेंड कर दूंगा एक, उस प्रैक्टिस पेपर में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो आपको पता लग जाएंगे जब मैं इसके नोट्स, बल्कि मैं आज ही सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना, एडमोडो पे। तो उसके लास्ट में प्रैक्टिस पेपर होगा, तो उसमें जितने भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होंगे, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन किस किस तरह बन सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको रिकॉल किया भी कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है इसका, वो सिर्फ ये बनेगा कि आपको कॉमन नेम दिया जाएगा और आपने नाम लिखना हो, मतलब ऐसे केमिकल फार्मूला एडजस्ट करना होगा, या केमिकल फार्मूला शायद वो दे दें आपको, चांस के ऊपर होता है MCQs वगैरह में दे दें कि भाई ये कैल्शियम, ये फार्मूला लिखा हुआ है इसका कॉमन नेम बता दें कि इसका कॉमन नेम क्या है, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी में है ऐसा। तो कॉमन नेम देंगे तो फार्मूला लिखना होगा, फार्मूला देंगे तो कॉमन नेम लिखना होगा। ये तो हो गया यहाँ से फार्मूले के लिहाज से क्वेश्चन हो गया। प्रिपरेशन के लिहाज से आपको वो बकायदा बाउंड कर देंगे ना, आपको बोलेंगे कि जिप्सम को प्रिपेयर कर दिया, प्रिपेयर द जिप्सम विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम मेटल। अब उन्होंने वर्ड यूज किया मैग्नीशियम मेटल, तो आपने मैग्नीशियम मेटल के जरिए ही उसको जो है वो प्रिपेयर करना है। वो कहते हैं कि भाई प्रिपेयर कैल्शियम सल्फेट या प्रिपेयर जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट विद द हेल्प ऑफ लाइम वाटर। अब उन्होंने कहा कि लाइम वाटर, तो अब आपको पता होना चाहिए लाइम वाटर का कॉमन नेम, ये तो कॉमन नेम है लाइम वाटर, अब लाइम वाटर का जो केमिकल नेम है या केमिकल फार्मूला है वो क्या होता है। तो लाइम वाटर बोलते हैं बेटा किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। तो आपने इसी के जरिए इसको प्रिपेयर करना, जिसके जरिए वो आपको बोलेंगे उसी के जरिए आप क्या करेंगे इसको प्रिपेयर करना। अगर कभी किसी केस में ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अगर किसी केस में कभी उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई जिप्सम आप प्रिपेयर करें आपकी मर्जी, जिससे मर्जी करें, तो फिर आपकी मर्जी है, इन चारों में से जो मर्जी इक्वेशन लिख दीजिए। एक तो ये हो गया क्वेश्चन। एक होता है कि इक्वेशन आपको दी जाती है जिसमें आपको रिएक्टेंट जो है वो गिवन होते हैं, और यहाँ पर डेफिनेटली जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपके पास मेंशन नहीं होते, और आपको कहते हैं कंप्लीट द इक्वेशन। तो आपने इक्वेशन क्या करना बेटा, वो कंप्लीट करना होता है, ठीक है। इक्वेशन को जब आप कंप्लीट करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको वहां पर भी बॉन्ड किया गया, तो जो इक्वेशन आपको दी जाएगी आपने वही कंप्लीट करनी है। तो जो रिएक्टेंट्स आपको गिवन होंगे और प्रोडक्ट आपने लिखने होंगे, तो ये दो तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में इस तरीके से आते हैं, ठीक है। ओके, अब ये दो टॉपिक हैं, इसमें से एक टॉपिक और है हमारे पास छोटा सा, जेवेरिया ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज रिएक्टेड इन बोथ प्रोसेस। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड आपको मेन कंपाउंड है, अब यहाँ पर बेटा HCl तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना आप, अगर यहाँ पर आप HCl का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको सल्फेट आयन कैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर आप HNO3 का इस्तेमाल करेंगे एसिड अगर आपने चेंज किया, तो सल्फेट आयन कहाँ से मिलेंगे आप। तो मेन सल्फेट आयन की प्रोडक्शन के लिए आपने सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया,
जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास। तो यहाँ पर जो आपके पास सॉल्ट है या यहाँ पर जो भी केमिकल आपके पास है, सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वेल रिएक्ट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास HCl भी है, HNO3 भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जिनके साथ ये मेटल्स जो है वो इजीली रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रुप के मेटल है। दोनों में सेकेंड ग्रुप के मेटल इस्तेमाल हो रहे हैं, कैल्शियम भी और मैग्नीशियम भी, बोथ आर एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। तो सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड तो बहुत सारे होते हैं, तो फिर हमने सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि बेटा आपको सल्फेट साइन चाहिए। जब तक आपको सल्फेट साइन नहीं मिलेंगे, जस्ट सपोज आप कहें कि सर यहाँ पर मेरी मर्जी नहीं है, मतलब मैं चाहती हूँ यहाँ पर HCl का इस्तेमाल करूँ, तो बेटा आप कर लें इस्तेमाल, तो फिर आपको क्लोराइड आयन तो मिल जाएगा लेकिन सल्फेट आयन नहीं मिलेगा, तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि आपको यहाँ से सल्फेट आयन मिल सके, इस वजह से। ओके